टाटा ग्रुप के शेयर्स पर निवेशकों का भरोसा हमेशा बरकरार रहता है और इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी नजर आता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की और जानेंगे कि क्या इस शेयर में आपको बने रहना चाहिए। ऐसे समय में जब शेयरों में लगातार तेजी है, क्या आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर है या नहीं। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर्स में तेजी जारी है। 12 जून को टाटा मोटर्स के शेयर 0.21% बढ़कर 989.20 रुपये पर बंद हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टाटा मोटर्स के शेयर्स में आई इस तेजी की वजह क्या है। दरअसल ये तेजी कुछ ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट के बाद आई है, जिन्होंने कंपनी को लेकर अपना बुलिश नजरिया बरकरार रखा है। ब्रोकरेज फर्म्स के मुताबिक कंपनी ने हाल ही में हुई बैठक में अपना जो बिजनेस प्लान रखा है, उससे कंपनी की ग्रोथ आगे भी मजबूत रह सकती है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने फिस्कल ईयर 2030 तक ईवी सेगमेंट में 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है। अब ये भी जान लेते हैं कि निवेशकों को टाटा मोटर्स के शेयर में क्या करना चाहिए। जेफरीज ने टाटा मोटर्स के शेयर को बाय रेटिंग दी है और इसके शेयर्स का टारगेट प्राइस 1,250 रुपये तय किया है। कंपनी ने अपने ब्रांड को मजबूत करने और पैसेंजर्स व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मुनाफे को बढ़ाने पर अपने फोकस को दोहराया है। टाटा मोटर्स का टारगेट फिजिकल ईयर 2027 तक पीवी सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर 16% और वित्त वर्ष 2030 तक 18-20% तक ले जाना है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अपने सीवी और पीवी दोनों ही सेगमेंट में दोहरे अंकों में एबिट्रा मार्जिन हासिल करने का भी टारगेट रखा है। साथ ही इसने वित्त वर्ष 2026 तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के भी मुनाफे में आने का लक्ष्य तय किया है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि उसे वित्त वर्ष 2025 तक पूरी तरह कर्ज मुक्त होकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने का भरोसा है। इसके अलावा नेक्सॉन बनाने वाली कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट में 25% से ज्यादा की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का टारगेट सेट किया है। मॉर्गन स्टेनली ने टाटा मोटर्स को 1,100 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ इक्वल वेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि इंडिविजुअल कारोबारी यूनिट्स अब आत्मनिर्भर हैं, जिससे बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए विभाजन अगला तार्किक कदम बन गया है। टाटा मोटर्स के शेयर में इस साल अब तक करीब 25.83% की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले एक साल में इस शेयर ने करीब 76.34% का रिटर्न भी दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।